नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। अभी हमने पहला पाठ पढ़ा था, अब हम दूसरे पाठ की ओर चलते हैं। पहले हम इसको सस्वर वाचन करेंगे तथा साथ साथ इसका हिंदी अनुवाद भी समझते जाएंगे, ठीक है। कस्मिंश्चित वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति इसमें। कस्मिंश्चित मीन्स किसी वन में, यानी किसी जंगल में खर नखर नामक एक शेर रहता था। सः कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह कदाचित मीन्स एक बार इतस्तता मीन्स इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल, क्षुधार्थ मीन्स भूख से व्याकुल, कुछ भी भोजन प्राप्त न कर सका। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, तब उसने सूर्यास्त के समय एक बड़ी महती मीन्स बड़ी सी गुफा को देखा। सह अचिंतित और सोचा, क्या सोचा उसने, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवा आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई न कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठता हूँ। तिष्ठामि मीन्स बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रगालः समागच्छत्। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार वहाँ आया। श्रगाला मीन्स सियार, समागच्छत मीन्स आया। सः चायावत् पश्यति, और उसने जब तक देखा तावत् सिंहः पद पद्यति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, तब तक सिंह के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। ना कि बाहर आते हुए, मतलब वो उसके जो सिंह के पैर थे वो गुफा के अंदर तो जाते हुए दिखाई दिए, किंतु जो बाहर लौटने के होते हैं वो पैर उसको वापसी के दिखाई नहीं दिए। श्रगालः अचिंत्यत्, सियार ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे अब तो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में शेर है। मतलब उसको ये लगा कि जब पैर उसके जाते हुए दिखाई दिए पैरों के निशान, लेकिन लौटते के नहीं दिखाई दिए, तो उसने समझ लिया कि अब तो मैं मारा गया हूँ, निश्चित ही उस गुफा के अंदर शेर है। अस्तीति तर्कयामि, ऐसा मुझे लगता है। तत् किं करवाणि, अब क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर स्थारवम कर्तुम आरब्धः, दूर खड़े रहकर शियार आवाज करने लगा, यानी बुलाने लगा। क्या बुलाने लगा, भो बिल, हे बिल यानी हे गुफा, किम ना स्मरति, किम ना स्मरति यन्मया त्वया सह सम्यः कृतोस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। अब वो दूर खड़े होकर सियार ने आवाज लगाना शुरू किया, क्या हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है, इस मरसी मीन्स याद नहीं है कि
क्या तुम्हें यह याद नहीं है कि हम दोनों का की एक कि तुम्हारे साथ मेरी एक शर्त तय हुई थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मामना आवेश्यासी तरी अहम द्वितीयम विलम्ब यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में यानी दूसरी बिल में चला जाऊंगा। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। अतः यह सुनकर शेर ने सोचा, सिंहः अचिन्त्य शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समावायनम करोति। शेर ने सोचा कि गुफा हमेशा अपने स्वामी का आवाहन यानी अभिवादन करती होगी, पुकारती होगी, परंतु मत भयात ना किंचित वदती, परंतु मेरे भय के कारण यानी मेरे डर की वजह से वह आज नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्चते। अथवा सज्जन यह कहते हैं, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते नावाणी चा वेपथुश्चाधिको भवेत्। मतलब सज्जन लोग कहते हैं कि डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती हैं और वाणी भी कांपने लगती है। मतलब जब हम किसी चीज़ से किसी से डर जाते हैं तो हमारे हाथ पैर आदि काम करना बंद कर देते हैं और हमारी जो आवाज़ होती है उसमें भी कंपन होने लगता है, वो भी कांपने लगती है। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मैं इसका आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इससे वह गुफा में आ जाएगा और मेरा भोजन बनेगा। इत्यथम विचारे सिंहः सहस्रगालस्य आवाहनम करोत्। ऐसा सोचकर शेर ने अचानक सियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रगालम् आह्वयत्। सिंह की यानी शेर की ऊंची गर्जना की आवाज से, गरजने की गूंज से या आवाज से यह गुफा जोर से बुलाने लगी। अनेन अन्ये पशवः भयभीताः अभवत्। इससे जंगल के वन के अनेक पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालोपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। और वहाँ सियार भी वहाँ से दूर जाता हुआ बोलता गया। क्या बोला? अनागतम यह कुरुते सा शोभते, जो आने वाली विपत्ति का समाधान कर लेता है, सा सोचते यो न करोत्य नागतम, जो आने वाली विपत्ति का समाधान कर लेता है वही शोभा पाता है, जो विपत्ति आने से पहले समाधान नहीं करता वह शोक करता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी ना कदापि मेसुरता। वह शोक करता है, इस जंगल में मैं रहते हुए बूढ़ा हो गया परंतु मैंने कभी भी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। मतलब वो ये कहते हैं जो आने वाली विपत्ति का समाधान पहले से कर लेते हैं या उसको झेलने के लिए तैयार रहते हैं वो कभी शोक नहीं करते, वे आराम से रहते हैं, क्योंकि मैं इस जंगल में रहते हुए बहुत बूढ़ा हो गया लेकिन मैंने कभी भी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना है।
धन्यवाद बच्चों, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना और समझना तथा इसके शब्दार्थ याद करना पीछे दिए हुए, जिससे आपको हिंदी अनुवाद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों।